हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ पीटीटी 2021 के अभ्यर्थियों के बारे में, जो कि बार बार कमेंट करके पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स 5,000 रुपए जो आपने काउंसलिंग की फीस जमा की थी, इसके अलावा जो आपने फीस जमा कराई थी 22,000 रुपए, और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वापस वो रिफंड कैसे होगी। तो फ्रेंड्स बने रहे, इस पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी पीटीटी 2021 की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि आगे से डूंगरपुर महाविद्यालय द्वारा 13/1/2022 को जारी किए गए। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है, पीटीटी 2021 के माध्यम से सत्र 2021-22 हेतु राज्य के विभिन्न राजकीय एवं निजी शैक्षणिक महाविद्यालयों एवं बीएड बीएससी 4 वर्षीय एवं 2 वर्षीय जो है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवंटन स्थानांतरण के संबंध में कार्यालय के अनावश्यक संपर्क ना करें। कतिपय अभ्यर्थी द्वारा मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल एवं इस कार्यक्रम में बैग, ड्रेस, डायरी, किट के नाम पर अवैध शुल्क वसूली की जा रही है, भोजन है, तो इसका आप इसमें बचे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि आपके जो है काउंसलिंग के फीस के रिफंड होने के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं कि महाविद्यालय द्वारा कतिपय मतलब काउंसलिंग के भाग लेने वाले अभ्यर्थी दोहरे चालान भुगतान वाले अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि फीस रिफंड प्रक्रिया हेतु अति शीघ्र ही पीटीटी 2021 की अधिकृत वेबसाइट www.pttraj2021 पर फीस रिफंड पैनल का खोला जाएगा। यानी बहुत ही जल्द आपके वेबसाइट पर जो है पीटीटी का रिफंड प्रोसेस का पैनल खोला जाएगा, जिस पर आपको अपनी पैनल पर खोलने के बाद स्वयं अभ्यर्थी को स्वयं को अपनी डिटेल्स डालनी है, अकाउंट नंबर डालने हैं, और साथ ही एक प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी आपके बैंक की डायरी की एक फोटोकॉपी आपको डालनी है, ठीक है, जो आपके मतलब खुद की होनी चाहिए। अकाउंट जो है खुद अभ्यर्थी का होना चाहिए, उसी का अभ्यर्थी का खुद का होना चाहिए अकाउंट नंबर, है ना। उसके बाद ये दस्तावेज आपको एक अपलोड करना है। इसके अलावा परिचय पत्र, एक आपका कोई भी आधार कार्ड, कोई भी जो कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड आपका, परिचय पत्र, आईडी, एक फोटो है, वो भी आपको अपलोड करना है उस साइट पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा लिख रखा है कि साथ ही बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं परिचय पता प्रूफ के संबंधित कोई एक दस्तावेज अपलोड करें। ज्ञात रहे कि फीस रिफंड संबंधित अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक के खाते में ही जाएंगे, अन्य किसी के खाते में फीस रिफंड नहीं होगी। यानी अभ्यर्थी का खुद का जो है अकाउंट होने वाला है। तो कहने का मतलब साफ है फ्रेंड्स कि आप एक तो आपके अनावश्यक कोई भी कॉल आए कि आपको ऐसे ऐसे भरना है, आपके रिफंड हो रहे हैं, तो आप उन पर विश्वास ना करें। पीटीटी की वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा, तब आपको खुद को अपनी जानकारी सबमिट करके डालनी है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।